आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए वो इम्तिहान की घड़ी थी जिसे पास करने के लिए दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। गुजरात और हिमाचल में जीत का डंका बजाने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या पीएम और कांग्रेस की ओर से क्या राहुल गांधी, दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। चुनाव की रणभेरी बजने से लेकर चुनाव के दिन तक राहुल और पीएम दोनों दिल्ली का ठिकाना छोड़ कभी गुजरात की गलियों में घूमते तो कभी पहाड़ पर चढ़ाई करते। लेकिन कांग्रेस की कड़ी चुनौती के बावजूद बीजेपी आज इस अग्नि परीक्षा को पास कर गई। बीजेपी ने गुजरात का गढ़ भी बचा लिया और हिमाचल में कमल भी खिला दिया। गुजरात और हिमाचल के नतीजों पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रही थी, लेकिन दोपहर तक सारी तस्वीर साफ हो गई। दिन चढ़ने के साथ ही गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर जीत का डंका बजा दिया। हिमाचल में तो कमल खिलना पहले से ही तय था, क्योंकि वहां का राजनीतिक इतिहास है कि पहाड़ पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। वहां कभी भी लगातार 10 साल तक किसी भी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई है, इस लिहाज से इस बार जनता ने वहां परिवर्तन किया है। लेकिन गुजरात में 22 सालों से बीजेपी के अभेद किले को कोई नहीं भेद पाया है। इस बार कांग्रेस ने सेंधमारी की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। पर इस नाकामयाबी को पूरी तरह से हार नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। भले ही कांग्रेस सत्ता की चौखट तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 20 सीटों का इजाफा जरूर किया है। अगर आंकड़ों को देखें तो गुजरात में 182 विधानसभा वाली सीटों पर बीजेपी को 99 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 80 सीटों पर कब्जा जमाया है। भले ही बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया हो, लेकिन उसका प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले अच्छा नहीं रहा। 2012 में बीजेपी का आंकड़ा 115 था। वहीं अगर हिमाचल चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2012 में जो बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार उसने 44 सीटों के साथ पहाड़ों पर कमल खिलाया। वहीं कांग्रेस को इस बार महज 21 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। दोनों राज्यों में भले ही बीजेपी ने जीत का डंका बजाया हो, लेकिन उसके दिग्गज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हिमाचल में सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को ही कांग्रेस के हाथों धूल चाटनी पड़ी। वहीं गुजरात में भी कई जगह बीजेपी अपना गढ़ नहीं बचा पाई है, चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या फिर वडनगर की उंझा सीट, वहां बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इन जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। भले ही व्यापारियों ने कांग्रेस का साथ ना दिया हो, लेकिन पाटीदार दलित और ओबीसी जाति समीकरण पर तो जनता ने मुहर लगाई है। गुजरात में राहुल गांधी की मेहनत सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनकी मेहनत ने सीटों का इजाफा जरूर करवाया। इससे कहा जा सकता है कि गुजरात में कमजोर पकड़ मजबूत हुई है। खैर, ये राजनीति है, यहाँ यही कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो इस बार हिमाचल और गुजरात में बीजेपी ही सिकंदर है। निबिलाइफ की रिपोर्ट।